हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती छठवें दिन दुर्गा सप्तशती का कितना पाठ करें कि हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। और आज हम देखिए, दुर्गा कोई भी दिन देवी कवच से स्टार्ट करना है तो पहले हम देव्य कवच पढ़ेंगे, उसके बाद ग्यारहवा अध्याय पढ़ेंगे। ग्यारहवा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान है। और अध्याय के पहले देव्य कवच पढ़ना अनिवार्य है। अथ देव्य कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी जी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी माता का स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथा स्वरूप कुष्मांडा है। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि है। आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और कोई भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी
मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौवों का संरक्षण करे। भौवों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रह के रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रह के रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। और इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की शेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त हो रहने वाली
विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए और कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं वे देवी कला प्राप्त करते हैं तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होते। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस सब के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान में वृद्धि होती है और यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को भी प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी प्राप्त होता है। जय माता दी। 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ, उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वर्द, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनकी प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाइए। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो जाइए। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी,
तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व की उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो, नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं संपर्कों धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाइए, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध करने के लिए उद्यम करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूपा से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, भ्राबरी, तामसी,
नियता तथा ईशा रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में, आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटोरों की सेना और जहाँ दवानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जाइए, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दीजिए। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नंदगोप के घर में उसकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नाम के दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। और फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी
और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वह मेरे शाक से ही प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकाम्भरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास सदैव लेकर आती रहूँगी। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे। देवी माँ की आप सब पर कृपा बनी रहे। जय माता दी।